करती है? क्या जिन हालातों से तुमने हमें गुजरने से मजबूर किया है, एक दिन तुम भी उन हालातों से गुजरोगी और गिड़गिड़ाओगी। ये बद्दुआ है तुझे मेरी। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे प्रीतो, क्योंकि हिसाब तेरा होगा और जरूर होगा, क्योंकि तुमने एक किन्नर का प्यार छीना है प्रीतो, एक किन्नर का प्यार छीना है। यह बद्दुआ है मेरी, एक किन्नर की बद्दुआ तुझे। कर दिए, आज तक तेरी कोई दुआ लगी है क्या जो बद्दुआ खाक लगेगी? वो कहावत सुनी, बकरे के चाहने से कसाई की मौत नहीं हुआ करती। अगर तेरी सुननी होती तेरी, तो रब क्या तुझे किन्नर बनाकर इस दुनिया में भेजता? चल हो गया तुम्हारा ये नाच गाना तमाशा, हो गया तो अब मेरे घर से निकल। चल चल निकलो, चलो निकलो यहाँ से, निकलो दफाओ यहाँ से, चलो।
मैंने तुम्हें यहाँ मेरी शादी की रस्मों में शामिल होने के लिए बुलाया था, जिंदगी भर आगे पीछे मंडराने के लिए नहीं। शादी हो चुकी, तुम जा सकती हो। निकलो यहाँ से। हरमन सिंह, तमीज से बात करो। तुम भूल रहे हो कि ये मेरी बीवी है और तुमने खुद इसे यहाँ बुलाया था। अब बेइज्जती करके निकाल रहे हो? इज्जत के साथ निकलना है तो खुद निकल जा। बेइज्जत करने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा? खड़े खड़े देख क्या रहे हो? दरवाजा बंद करो। माही, अब से इस घर, परिवार और रिश्तों को संभालना तेरी जिम्मेदारी, और इस घर को बुराइयों से दूर रखना तेरा कर्तव्य। जा बहू, दरवाजा बंद कर दे। तुम्हारे भगवान ने अपना दरवाजा बंद कर दिया, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक घर बचा है। चले। बहुत सीधी सादी है मेरी बहन, अगर अनजाने में उससे कोई गलती हो गई हो तो प्यार से समझाइएगा। तू फिक्र ना कर, माही को हम अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। वाकई आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ, ऐसे बुरे हालात में आप लोगों ने हमको समझा। ऐसा मत कहिए अंकल जी, सब ठीक हो जाएगा। हमारी माही आपके घर में और हरमन की जिंदगी में वो खुशियां लेके आएगी जिसके आप सब हकदार हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। Oh,
इतना थोड़ी ना होते हैं। देख, आज से तेरी नई जिंदगी शुरू होने जा रही। बहुत अच्छे हैं तेरे ससुराल वाले, खुश रखेंगे तुझे। और तू भी सबका ख्याल रखना। रावी सिंधु, भाभी को उनके कमरे में ले जा। माँ, इसे मैं अपनी भाभी नहीं मानती। और ना ही मैं। सिंधु, जिसे मानना है माने, जिसे नहीं मानना है नहीं माने, लेकिन सच यही है और बदलेगा नहीं कि माँ ही इस घर की बहू है और तुम लोगों की भाभी। शन्नो, माही को कमरे में ले जाओ। जी जी जी। माही, चल आज। मुबारक हो जी, मुबारक हो। बेटे का ब्याह हो गया, आखिर अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। जी मुबारक हो। आए, आए, आए। लेकिन प्रीत, एदे विच ना एना दा हुण दोनों के बीच में ना प्यार का दीवा जलाना है। ओ फिकर ना करो, मुझ पर छोड़ दो। आप तो अपनी बीवी को जानते हैं, कोई मुशक्कत नहीं लगने वाली है। वो दिया तो मैं जलाई दूंगी। औरत है, किन्नर नहीं। ना जियो। पर सुनिए, आज बेटे की सुहागरात है और उसे उसके कमरे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। इतनी सी? ओ मेरे शेरा, ओ शेरा। मैं जानना तेरा खून करम है, बाप भी है। मैं जानता हूं उम्र का तकाजा भी है, ये भी जानना है। लेकिन ये वक्त यहाँ तफरी करने का नहीं है, वहां कमरे में जाने का है। वो बहू रानी तेरा इंतजार कर रही है। हां जी। मुझे नहीं जाना किसी कमरे में। ओ मेरे भोले बादशाह, अपनी दुनिया जहां छट के आई है वो की सोचेगी? जा उसके साथ बैठ, चल्ला छल्ला कर, उसे अच्छा लगेगा। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा तो ये बात है, ठहर जा फिर। विरन, क्या हो गया वीर जी? हमारा शेरा कमरे में जाने से घबरा रहा है, इसको कमरे तक हम एस्कॉर्ट करेंगे आज के लिए। टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। अरे मैं जानता हूँ तेरा खून बहुत गर्म है, मैं जानता हूँ तू इधर आ जा रही। यार ये क्या जबरदस्ती है, तू चाल से सही है यार। हरक सिंह, क्या जबरदस्त। चाचे भाई को संभाल ले। अरे दरवाजा खोलो यार। हरक सिंह, जितनी भी प्रेम कहानियां रही हैं दुनिया में, उन सबके गवाह रहे हो। कुछ प्रेम कहानियां कामयाब रही, कुछ नाकामयाब। तुम तो सब कहानियों का हिसाब रखते हो। बस हरमन और सौम्या की कहानी नाकामयाब प्रेम कहानियों में लिख लेना। गलत। हरमन और सौम्या की प्रेम कहानी नाकामयाब नहीं हो सकती। एक मिसाल है,
हमारी कहानी का अंजाम जो भी हो, पर आप लोगों का हमारी इस कहानी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत सारी तकलीफें सहनी पड़ी, इतना संघर्ष देखना पड़ा, इतनी मुसीबतों से गुजरना पड़ा। आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे लिए कुछ भी करके हमें तकलीफ नहीं, फख्र महसूस होता है। एक किन्नर होने की वजह से जो सब हमें नहीं मिला वह तुम्हें मिला, ये सोच के खुश हो लेते हैं। तुम्हारी हार में हमारी हार, तुम्हारी जीत में हमारी जीत, बस यही मानते हैं। तुम्हें पता है हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ये हरमन के लिए जो तुमने बलिदान दिया है ना, उससे तो सबके दिलों में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ेगी। जानकर अच्छा लगा कि आप सब लोग मेरे साथ हैं। आप लोग नहीं होते तो शायद मेरे और हरमन जी की प्रेम कहानी कभी मुकम्मल नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा करोगी? हरमन और सौम्या की प्रेम कहानी का अंत हो ही नहीं सकता। मैं नहीं जानती आगे क्या होगा, कैसे होगा। मैं बस इतना जानती हूं कि तुम्हारा बलिदान जाया नहीं जाएगा। जीते जी गलत फहमी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। तुम लोग बलिदान के फल का इंतजार करो, मैं तो इसे सौम्या हरमन की कहानी का दी एंड मान के एंजॉय करने वाला। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत, तेरा इश्क है मेरी इबादत। आज हरमन जी की सुहागरात है, माता रानी करे माही जी उन्हें वो सारी खुशियां दे जो बीवी बनकर मैं उन्हें कभी नहीं दे पाई। पुरानी सारी यादें मिटाकर आज वो एक नई शुरुआत करे। इस किंग साइज बेड पर इस क्वीन का पूरा हक है।